नवी मुंबई के वाशी वैष्णुदास भावे नाट्यगृह में शिवसेना शिंदेगढ़ द्वारा पाटन विधानसभा मतदार संघ से मुंबई और नवी मुंबई में आकर रहने वाले सभी शिवसैनिकों के लिए जाहिर संवाद मेलावा का आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में पाटन तालुका के लोग इस कार्यक्रम में शामिल होते नजर आए। वहीं इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र राज्य के मंत्री और सातारा जिला के पालक मंत्री शंभुराज देसाई मुख्य तौर पर उपस्थित रहे। वहीं साथ ही शिवसेना के उपनेता विजय नाटा, शिवसेना शिंदेगढ़ के नवी मुंबई जिला अध्यक्ष विजय चौगले के साथ साथ बड़ी संख्या में शिवसेना शिंदेगढ़ के कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए। वहीं इस मौके पर मंत्री शंभुराज देसाई ने लोगों से बात करते हुए बताया कि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार हमेशा से पाटन मतदार संघ के लोगों के लिए खड़ी रहती है और उनके सुख दुख में उनका साथ देती है और महाराष्ट्र में विकास कामों को लेकर आती है। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में किसी भी तरीके के नैरेटिव को ध्यान में ना रखते हुए बड़ी संख्या में महायुति की सरकार को जिताए और शिवसेना शिंदेगढ़ को मजबूत बनाने का काम करे। देखिए, तीन चार इम्पोर्टेंट इशू आज के मीटिंग में नाटा साहब ने और चौगुले साहब ने उठाए। ये इधर के नवी मुंबई के और ये एरिया के है। अभी एक चार पांच दिन के लिए मैं कॉन्स्टिट्यूंसी में जा रहा हूँ, क्योंकि पिछले तीन हफ्ते से मैं मेरे मतदार संघ में नहीं जा पाया था अधिवेशन के कारण। उसके बाद जब मैं नेक्स्ट कैबिनेट के लिए मुंबई में आऊंगा तो इसके बारे में एक स्वतंत्र मीटिंग पालक मंत्री के नाते में यही आके मुंबई में, नवी मुंबई में आके नवी मुंबई कॉर्पोरेशन में लेने वाला हूँ और इसका हल हम जरूर निकालेंगे। जो इश्यूज पेंडिंग रहे हैं बहुत दिनों से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इसके बारे में इंस्ट्रक्शंस देने के बाद भी, तो मैं खुद इसमें दखल देके इसके बारे में एक हाई लेवल मीटिंग लगा के इसमें इसको हम रिजॉल्व करेंगे। मैंने अभी कहा कि हमने अच्छा परफॉर्मेंस लोकसभा इलेक्शन में किया है, लोकसभा इलेक्शन में हमारे संगठन का काम भी सामने आया है, लेकिन शिवसेना, बीजेपी और एनसीपी हमारा अलायंस है और हमारा अलायंस फ्रेंडली अलायंस है। हम तीनों दल के नेता बैठ के हमारे आपस में हम हमारे जगह का बंटवारा करेंगे, लेकिन इस बंटवारे में शिवसेना को यहाँ का अच्छा सीट मिले, इसलिए पालक मंत्री के नाते मैं पूरी कोशिश करूंगा। ओके।